साइंस डिवाइन मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर प्रतिमा पर ध्यान को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी जब आपके चेतना के सामने कोई विषय या वस्तु रही ना जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ कॉन्टेंटलेस कॉन्शसनेस। कॉन्टेंटलेस कॉन्शसनेस यानी कॉन्शसनेस तो है लेकिन उसके सामने कोई कॉन्टेंट नहीं, कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, होश है और विचार नहीं है, वो स्थिति को हम कहते हैं ध्यान। कॉन्टेंट तो जब आप नींद में होते हैं तब भी कॉन्टेंट नहीं होता लेकिन होश नहीं होता नींद में। नींद में और ध्यान में क्या अंतर है? नींद और ध्यान में यही अंतर है कि ध्यान में होश का होना जरूरी है लेकिन कोई विचार नहीं होना चाहिए। नींद में हो सकता है कि विचार ना हो लेकिन आप होश में नहीं होते हैं, इसलिए नींद ध्यान नहीं है। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो ध्यान का तीसरा अर्थ है समग्र विश्राम की अवस्था में होना। जब आप शरीर से कुछ नहीं करेंगे और मन से कुछ नहीं सोचेंगे तो होश तो होगा लेकिन कॉन्टेंट अपने आप चला जाएगा, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई डोंट टीच रिलीजन, आई सिंपली टीच यू द साइंस ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, कैसे समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाए। आपको एक छोटा सा प्रयोग देता हूँ, आप सिर्फ 10 सेकेंड्स टेक्निक फॉर स्टॉपिंग थॉट्स, विचारों को रोकने की 10 सेकेंड टेक्निक का प्रयोग करें। जैसे मैं आपको कभी कभी कहता हूँ कि 2 मिनट के लिए आँखें बंद कर लें, 2 मिनट भी बहुत बड़ा है। जैसे ही आँख बंद करते हैं थोड़ी ही देर में विचार आने लगते हैं लेकिन फर्स्ट 10 सेकेंड्स में विचार नहीं आते हैं। आप देखो ये बड़ी मजे की बात है, आँख बंद करें, जैसे मैं कहता हूँ आँख बंद कर लें, जब आप आँख बंद करते हैं 10 सेकेंड तो लंबा समय नहीं, 10 सेकेंड के लिए पहले बंद करिए, विचार नहीं, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10, 15, 30 सेकेंड के लिए अभ्यास करें कि विचार नहीं आए, थॉट्स रुक गए, तो आप एक अद्भुत रिलैक्सेशन में पहुंचते हैं, एक कैसी विश्राम की अवस्था मिलती है आपको। तो थोड़ा मैं ऐसे कहता हूं कि जहां भी हो समय चुरा चुरा के विश्राम पूर्ण होने की कोशिश करें, आपकी ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है, 24 घंटे बह रही बाहर। जितना ही आप विश्राम पूर्ण विश्राम करने की कला सीखें, ये अलग से एडवांस कोर्स में इसकी चर्चा करेंगे, अभी इतना ही बता रहा हूँ कि थर्ड स्टेप द फाइनल स्टेप इज साइंस डिवाइन मेडिटेशन, यानी जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। लेकिन ये सीधे संभव नहीं है इसलिए इसके पहले 2 चरण, और साइंस डिवाइन मेडिटेशन में हम करते क्या हैं, आँख बंद कर लेते हैं, बंद आँखों से ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर, यानी माइंड यानी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, माइंड को कहीं ना कहीं आपको एक तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। उसके लिए चुना गया है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसकी पहली धड़कन के साथ आप अस्तित्व में आते हैं और अंतिम धड़कन के साथ संसार से विदा हो जाते हैं। तो पहली धड़कन और अंतिम धड़कन के बीच ही आपका पूरा जीवन है, हृदय से ही संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है। जिस चीज़ पर ध्यान आप निरंतर दें वो स्वस्थ होता है, सशक्त होता है और उसमें किसी तरह का विकार नहीं आता, विकारों से मुक्त होता चला जाता है। अगर निरंतर आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करेंगे तो मैं 100% गारंटी कर सकता हूँ कभी आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं हो सकती, और हार्ट से संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है, रक्त से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी हार्ट और रक्त से संबंधित आपको ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती। और आपको पता है हृदय ही वह केंद्र है जहाँ प्रेम का जागरण होता है और प्रेम को ही परमात्मा कहा गया है। तो हृदय केंद्र पर ऊर्जा को
हर रोज ले जाने से आपकी जिंदगी में प्रेम की सुगंध, प्रेम की तरंग पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो आपकी जिंदगी में नए प्रकार का रस पैदा करेगी। आदमी प्रेम के अनुभव से वंचित है। आदमी की जिंदगी में प्रेम का अनुभव पैदा करने के लिए हृदय केंद्रित ध्यान की विधि सर्वाधिक शक्तिशाली विधि है। और मैं आपसे कहूँ, आप जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो कोरे कागज की तरह नहीं आते। जो भी आत्मा आती है वो पूर्व जन्म के विकार उस चिप में निहित होते हैं। और भगवान कृष्ण करते हैं, कहते हैं, हृदय केंद्र में, हृदय गुहा में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान हूँ मैं। यानी हृदय केंद्र में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान हूँ मैं, यानी जिसे हम ईश्वर ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा हृदय केंद्र में ही सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान रहती है। अगर आप वहाँ निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो पिछले जन्मों के, जन्मों जन्मों के विकारों की शुद्धता होती, सफाई होती है, इनर क्लिंजिंग होती है, और आप अपने मूल स्वरूप को, परम आनंद को उपलब्ध होने लगते हैं। खेल खेल में, बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चेष्टा के, सिर्फ एक खेल खेल में ध्यान भी खेल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, हृदय जो है आपके जितने चक्र हैं उनका सबसे मध्यवर्ती चक्र है, मिडिल सेंटर है। जब आप हृदय पर केंद्र ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हृदय क्षेत्र प्रकाशित होता है, और ये प्रकाश बढ़ता जाता है तो ऊपर भी बढ़ता, नीचे भी बढ़ता, ऊपर भी बढ़ता, नीचे, जितना ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे बढ़ेगा। तो ऊपर के तीन चक्र वो धीरे धीरे स्वतः सक्रिय हो जाते हैं और नीचे के तीन चक्र वो सीधे सारे सक्रिय हो जाते हैं। आपको चक्रों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हृदय केंद्र से ही सारा काम हो जाता है आपका। इसलिए 1000 साधनाएं करने के बजाय सिर्फ एक साधना, संजीवनी क्रिया, अध्यात्म जगत की 21वीं सदी के व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली विस्फोटक क्रिया है, और इसको आप सरलता से कर सकते हैं। तो 20 मिनट का समय बचा है आपको चाय ब्रेक के लिए, इसलिए 20 मिनट में चाहूँगा कि आप संजीवनी क्रिया का मेरी उपस्थिति में अभ्यास करें। पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। तो आप सब लोग खड़े हो जाएं, थोड़ी 5 मिनट के लिए सिर्फ, अपनी अपनी आँखें बंद कर लें, और अब खूब आनंद भाव से क्रिया को करना है। प्राण वायु को भीतर लें गहरे, कंधे उठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। एनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत सारे मित्रों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और पूरी ऊर्जा के साथ संजीवनी क्रिया में भाग लिया। आज पहला दिन है संजीवनी क्रिया का, अभ्यास किया आपने।